इस सीजन आईपीएल में किस कप्तान को मिलेगी कितनी सैलरी, जाने कौन होगा सबसे मालामाल कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस सीरीज आईपीएल 2020 में किस कप्तान को कितनी सैलरी मिलेगी और कौन होगा सबसे मालामाल कप्तान। तो दोस्तों इस सब बारे में हम इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करेंगे, तो दोस्तों आप भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के फैन और कर रहे हैं आईपीएल का इंतज़ार, तो इस वीडियो को एक लाइक दिल से ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बगैर वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल हो या कोई भी क्रिकेट लीग, कप्तान की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। यही वजह रहती है कि सबसे अनुभवी खिलाड़ी को ही टीम का कप्तान बनाया जाता है। आईपीएल में भी कई खिलाड़ियों ने कप्तानी की है और आने वाले सीजन में भी कुछ नामचीन खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की कप्तानी करते नज़र आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आईपीएल 2020 में किस टीम के कप्तान की सैलरी सबसे ज़्यादा है। नंबर 8 पर हैं केन विलियमसन। दोस्तों आईपीएल 2020 में सबसे कम सैलरी पाने वाले कप्तान सनराइज़र्स हैदराबाद के केन विलियमसन हैं। केन विलियमसन आईपीएल के बीते सीज़न में हैदराबाद के कप्तान थे। उन्हें 3 करोड़ की प्राइस में हैदराबाद ने अपनी टीम से जोड़ा है और आने वाले सीजन में भी उनकी प्राइस 3 करोड़ ही रहने वाली है। वहीं नंबर 7 पर हैं श्रेयस अय्यर। दोस्तों आईपीएल 2018 में गौतम गंभीर को हटाकर श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया था। अगले सीजन में अय्यर अपनी शानदार कप्तानी के दम पर दिल्ली को टॉप 4 में लेकर गए थे। इस साल भी वह दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे और उन्हें 7 करोड़ की सैलरी दी जाएगी। वहीं नंबर 6 पर हैं दिनेश कार्तिक। दोस्तों आईपीएल 2018 में हुई बड़ी नीलामी के दौरान 7.4 करोड़ की बड़ी रकम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2020 में भी दिनेश कार्तिक कोलकाता के कप्तान होंगे। नंबर 5 केएल राहुल। दोस्तों आईपीएल 2018 से 2019 तक रविचंद्रन अश्विन पंजाब के कप्तान थे। वह अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में आईपीएल 2020 में पंजाब के लिए विकेट कीपर और ओपनर केएल राहुल कप्तानी करेंगे। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 11 करोड़ में ख़रीदा था। वहीं नंबर 4 पर हैं स्टीव स्मिथ। दोस्तों स्टीव स्मिथ काफ़ी समय से राजस्थान रॉयल के लिए बतौर कप्तान खेल रहे हैं। आईपीएल 13 में भी वह राजस्थान के लिए कप्तानी करेंगे और उनकी सैलरी 12 करोड़ होगी। वहीं नंबर 3 पर है रोहित शर्मा। दोस्तों आईपीएल 2018 की बड़ी नीलामी में मुंबई इंडियंस ने कप्तान रोहित शर्मा को 15 करोड़ में रिटेन किया था। मुंबई को 4 बार विजेता बना चुके रोहित इस साल भी टीम की कमान संभालेंगे। नंबर 2 महेंद्र सिंह धोनी। विश्व के सबसे बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए कप्तानी करने के लिए 15 करोड़ की राशि मिलेगी। वहीं नंबर 1 पर हैं विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान हैं। आईपीएल के पहले सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ जुड़ने कोहली को कप्तानी के लिए 17 करोड़ की मोटी रकम दी जा रही है। दोस्तों आप भी इस जानकारी को लेकर अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा और किस कप्तान को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी आपके हिसाब से, आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।